हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टार्ट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जो ये स्टार्ट का ऑप्शन होता है, ये हमारे सेटिंग के पर्सनलाइजेशन ऑप्शन के अंतर्गत होता है। दोस्तों, मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ कि आपको इस ऑप्शन पर आना कैसे, उसके बारे इसके अंदर जो जो भी ऑप्शन है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने यहाँ स्टार्ट बटन पर आ जाइए। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर सेटिंग देख लेना है। दोस्तों, आप में सेटिंग कहीं पर भी हो सकता है, आप वहाँ से सेटिंग में चले जाइए। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा, इसी के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे एक स्टार्ट का ऑप्शन दिया है। दोस्तों, मैंने ऊपर के सभी ऑप्शन के बारे में वीडियो बना ही दिया था, अगर आपने उनको नहीं देखा तो उनको देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो में दोस्तों बस स्टार्ट ऑप्शन के बारे में बात करूँगा, आखिर ये है क्या और ये काम क्या करता है। तो दोस्तों, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों, राइट साइड में आपको ये ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे और इसके अंदर कुछ बटन्स देखने के मिलेंगे। तो दोस्तों, ये बटन्स करते क्या हैं, हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जो स्टार्ट वाला आखिर ये ऑप्शन है, ये किस लिए दिया होता है? तो दोस्तों, हम जो ये विंडोज़ का आइकन यहाँ पर देखते हैं नीचे की ओर एकदम लेफ्ट में कॉर्नर में, दोस्तों ये वाला जो ऑप्शन होता है ये इसी के लिए दिया होता है। अब दोस्तों, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों, इस पेज में आपको जो जो चीज़ें दिख रही है, बस इन्हीं को थोड़ा सा सेटिंग वगैरह करने के लिए ही ये ऑप्शन अलग से दिया जाता है, जो विंडोज़ का लेटेस्ट मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर तो उसका पुराना वाला यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि आपको ये वाला ऑप्शन ना मिले, लेकिन अगर आप लेटेस्ट विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर ये दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं, बस इन्हीं के अंदर हल्का फुल्का चेंज करने के लिए ही ये ऑप्शन होता है। तो देखते हैं आखिर इसके अंदर है क्या। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला आपको दिख रहा होगा शो मोर टैग्स ऑन द स्टार्ट। तो दोस्तों, अब ये पहले यहाँ पे टाइल समझ लेते हैं आखिर क्या है। तो दोस्तों, जैसे अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो राइट साइड में दोस्तों, यहाँ आपको छोटे छोटे ये बॉक्स में कुछ ऐप्स वगैरह दिख रहे होंगे। ये देखिए छोटे छोटे सफ़ेद बॉक्स के अंदर का ये दोस्तों आपको दिख रहे होंगे, तो इनको ही दोस्तों टाइल्स बोला जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी आप देख रहे होंगे लिमिटेड टाइल्स है, यानी कि आप इनको देख सकते हैं कि यहाँ लिमिटेड मात्रा में। अगर दोस्तों आप चाहते हैं इसी तरह और टाइल्स अगर ऐड करना, तो दोस्तों आप इसको यहाँ पे ऑन कर दीजिए। ऑन करने से होगा क्या दोस्तों, जैसे जैसे आप अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करते जाएंगे, तो दोस्तों इस्तेमाल करते करते यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे टाइल्स वगैरह ऐड होते जाएंगे। दोस्तों, ये फीचर उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है जो दोस्तों टच वाले लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दोस्तों आजकल टचेबल वाले भी लैपटॉप आ चुके हैं। तो अगर आप दोस्तों टच वाला लैपटॉप या टच वाला दोस्तों टैब में ये विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं, तो उस समय ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बहुत काम आएगा, क्योंकि उस केस में दोस्तों आपको ढेर सारे यहाँ पे टाइल्स मिल जाएंगे और उस टाइल्स के अंदर दोस्तों आपको ऐप्स वगैरह मिल जाएंगी, तो आप बड़े ही आसानी से कंप्यूटर चला सकते हैं। और जो जो ऐप्स दोस्तों आप यूज़ करते जाएंगे, ये वो ऐप्स यहाँ पे धीरे धीरे करके ऐड होती जाएंगी। तो दोस्तों, ये टच वाली स्क्रीन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब दोस्तों, सेकेंड वाला जो बटन है लिखा हुआ है सो ऐप लिस्ट इन द स्टार्ट मेनू। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में इसी स्टार्ट बटन में ढेर सारी ऐप्स की लिस्ट दिख रही होगी। अगर दोस्तों मैं इसको यहाँ पे बंद कर दूँ तो आप देखिएगा यहाँ से जो ऐप की लिस्ट थी वो गायब हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं जो अभी ऐप ढेर सारी ऐप की लिस्ट थी यहाँ पे, देखिए दोस्तों है ही नहीं। लेकिन दोस्तों जैसे मैं इसको चालू करूँगा, ये देखिए ऑटोमेटिकली वो ऐप की लिस्ट फिर से आ गई। अगर दोस्तों आप चाहते हैं इसको यहाँ से बंद करना, तो उसको बंद कर दीजिए, चालू करना रहना देना चाहते हैं तो चालू कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है सो रीजेंट एडेड ऐप्स। अब दोस्तों ये किस लिए होता है? दोस्तों इसी स्टार्ट बटन में, जैसे यहाँ पे प्रोडक्टिविटी लिखा है, एक्सप्लोर लिखा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे तो जैसे जैसे दोस्तों आप अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करते जाएंगे, तो यहाँ पे एक सो रीजेंट ऐप्स, यानी कि दोस्तों तत्काल में आप जो जो भी एप्लीकेशन यूज़ करेंगे उनकी भी यहाँ पर लिस्ट टाइल्स के वगैरह में दिख जाएगी। अभी दोस्तों मैंने ये ऑपरेटिंग सिस्टम नया इंस्टॉल किया है, इसीलिए मेरे में ये ऐड नहीं हुआ है, लेकिन एक समय के बाद दोस्तों मेरे में वो वाली मेन मतलब ऑप्शन यहाँ ऐड हो जाएगा। और दोस्तों मैं जो जो भी एप्लीकेशन तत्काल में यूज़ करूँगा, ये यहाँ पे टाइल्स के वगैरह में दिख जाएगी। तो अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि वो भी ऐप्स अगर वहाँ पे शो करें, तो उसको ऑन कर दीजिए नहीं तो ऑफ कर दीजिए। देखिए दोस्तों, जो अगला वाला ऑप्शन है लिखा हुआ है सो मोस्ट यूज्ड ऐप्स। तो दोस्तों इसका भी काम उसी तरह है कि जैसे यहाँ पे प्रोडक्टिविटी और एक्सप्लोर लिखा हुआ है, इसी तरह मोर यूज्ड ऐप्स नाम का भी एक ऑप्शन बन जाएगा और उस ऐप्स के नीचे छोटे छोटे टाइल्स बन जाएंगे जैसे ये बना हुआ है। और वहाँ पे भी दोस्तों जो एप्लीकेशन आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं उनकी लिस्ट भी वहाँ पे शो हो जाएगी। तो यही वाला इस ऑप्शन का काम है। अगर आप चाहते हैं इसको ऑन करना तो ऑन कर दीजिए, नहीं तो ऑफ करना चाहते हैं ऑफ कर दीजिए। अब दोस्तों जो अगला वाला है, यहाँ पर लिखा हुआ है
सो सजेशन ऑस्किलेटरी इन स्टार्ट। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से समय समय पे आपको सजेशन दिए जाए कि आप अपने टास्क के बारे में क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे आपका सिस्टम इम्प्रूव हो सके, यानी आपकी अपियरेंस है, यानी आपकी जो फॉन्ट की थीम वगैरह, अगर आप चाहते हैं उनको थोड़ा समय समय पे अपडेट करें, थोड़ा थोड़ा स्टाइलिश बनाएं, तो आप उसे सजेशन ले सकते हैं। तो ये आपको नोटिफिकेशन के रूप में सजेशन वगैरह देते रहेंगे स्टार्ट बटन में, तो आप अगर चाहते हैं तो ऑन कर दीजिए, नहीं तो ऑफ कर दीजिए। अब दोस्तों जो ये लिखा हुआ है यूज स्टार्ट टू फुल स्क्रीन, अब दोस्तों इस ऑप्शन का क्या काम होता है? अभी दोस्तों जो आप स्टार्ट बटन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों एक नया पेज खुलता है, लेकिन ये नया पेज दोस्तों देखेंगे कि पूरी फुल स्क्रीन में नहीं है दोस्तों, ये आपकी हाफ स्क्रीन के अंतर्गत ही होता है। लेकिन दोस्तों अगर ये ऑप्शन आप ऑन कर दिए, ऑन करने के बाद दोस्तों जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों जो नई वाली स्क्रीन है ये पूरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आपकी आ रही है। तो दोस्तों ये वाला बटन यही काम करता है कि जो स्टार्ट वाला ऑप्शन होता है इसको फुल में करने का काम करता है, लेकिन दोस्तों ज़्यादातर लोग इसको थोड़ा हाफ में ही इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। ये देखिए मुझे इस तरीके से ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे फुल स्क्रीन में इसको इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर आप चाहते हैं फुल स्क्रीन पे स्टार्ट बटन को इस्तेमाल करना तो इसको ऑन कर दीजिए, नहीं तो आप उतने में तो यूज़ कर ही सकते हैं। अब दोस्तों जो लास्ट वाला है लिखा हुआ है शो रिजल्ट ओपन आइटम्स इन जंप लिस्ट और स्टार्ट ऑन द टास्क बार एंड फाइल एक्सप्लोरर क्विक एक्सेस। तो दोस्तों इस बटन के ऑन होने से हमें जो रिजेंटली एप्स होंगी उनकी लिस्ट यहाँ टाइल्स में दिख जाएंगी, दोस्तों हम ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी लिस्ट वगैरह दिख जाएगी। अगर दोस्तों आप उन सबको एक साथ एक बार में ही बंद करना चाहते हैं कि ना यहाँ कोई रिजेंट ऐप्स दिखे ना टास्क बार में कोई ऐप्स वगैरह, अगर यहाँ पे देखिए जैसे टास्क बार होता है यहाँ पे जो जो एप्लीकेशन दोस्तों ऑन होती है उसके नीचे ब्लू कलर की टिक लगी होती है, अगर दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये सब आपको ना दिखे तो आप इसको ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो जो एप्लीकेशन ओपन होती है या जो जो लेटेस्ट में यूज होगी उनकी लिस्ट वगैरह यहाँ पे नहीं दिखेगी। तो दोस्तों इस बटन का यही काम होता है। अब दोस्तों जो लास्ट वाला है लिखा हुआ है चूज विच ऐप फोल्डर्स अपियर ऑन द स्टार्ट बटन। तो दोस्तों स्टार्ट बटन में आपको बहुत सारे एप्लीकेशन दिखने को मिलेगी, लेकिन दोस्तों बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी होती है यानी कि दोस्तों बहुत सारे फोल्डर वगैरह ऐसे होते हैं जो यहाँ पे मतलब शो नहीं होते हैं। देखिए दोस्तों जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए तो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जिस जिस फोल्डर का आप नाम देख रहे होंगे जो बंद है वो दोस्तों यहाँ इन लिस्ट में नहीं होंगे, लेकिन दोस्तों आप जैसे ही इनको ऑन करेंगे तो दोस्तों ऑन करने के बाद एक बार अगर आप कंप्यूटर रिफ्रेश करेंगे तो दोस्तों वो फोल्डर यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि जैसे दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि डाउनलोड का एक फोल्डर है, डाउनलोड का फोल्डर दोस्तों मेरे में यहाँ पे स्टार्ट बटन पे नहीं है। अगर दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इसको स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दूँ तो दोस्तों मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ऑन करने के बाद दोस्तों एक बार अगर अपना कंप्यूटर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे डाउनलोड का फोल्डर मेरा ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों तो यही काम होता है हमारा ये स्टार्ट वाले बटन का काम। तो दोस्तों होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि तो दोस्तों इसके अंदर जितने भी ऑप्शन थे मैंने लगभग सभी कवर कर दिए। अगर दोस्तों फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह गए तो आप हमें कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर दोस्तों अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।